नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। 8 इंच 2 पॉइंट इसकी लंबाई ले ली है और देखिए 3 इंच लिया है आर्म होल की गोलाई के लिए। तो इस तरह से 3 इंच पर आर्म होल की गोलाई देते हुए हमने मार्क कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे यहीं से। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। इस वाली तरफ से भी थोड़ा तिरछा करते हुए कट करेंगे और उसके बाद देखिए कपड़े पर रख के कट करेंगे। तो इस तरह हमने इसे कट कर लिया। अब हमें डिजाइन के लिए कट करना है। तो यहाँ से लेंगे 1 इंच और इस वाली साइड से लेंगे 1 इंच से थोड़ा सा कम लेंगे। 1.5 इंच चौड़ाई इस पूरे कट की होगी दोनों तरफ से मिला के, तो इसलिए 1 इंच से थोड़ा कम लेना है और 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा। और इस तरह से मार्क कर लिया है। अब देखिए कपड़े की सीधी वाली तरफ इसको रखना है और जहाँ से ये निशान है वहीं से सिलाई इस पर लगाएंगे। अब इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर 2 कट लगाएंगे। अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ पलट देना है और हमें ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए डिजाइन के लिए हमें डोरी तैयार करनी है। तो इस तरह से कपड़ा ले लिया है, अब सिलाई इस पर लगा दी है। अब इसे हम पलट कर सीधा करेंगे। तो इस तरह हमने डोरी को पलट लिया है। अब हमें यहाँ पर 2-2 इंच की कट कर लेना है। तो इस तरह से 2-2 इंच की अब कट करेंगे। तो जितनी लगेगी बनाकर इस तरह से कट कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पर ये इस तरह से लगेगी, इतनी बढ़ाना है कि उस साइड से भी लगाएं तो दोनों साइड की बराबर आए। तो एक बराबर से पूरे पर इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमने देखिए लगा दिया है। दूसरी तरफ से भी इसी के सामने लगा लिया है। ठीक इसी के सामने ही लगाना है, जितनी उस साइड लगेंगे उतनी इस साइड। और इस तरह नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद यही डोरी लेना है और नीचे वाली साइड से भी इसी तरह से इसको लगाना है। और देखिए यहाँ पर जो कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा जितना, उतना हमने छोड़ दिया है। जितना पूरा जितने पर इसकी फिटिंग आएगी उतने पर ही डिजाइनें रखनी है। तो उतने से ही हमें ये डोरी से डिजाइन इस तरह से नीचे वाली तरफ भी लगा लेंगे। तो ये हमने लगा दिया है। उसके बाद हमें तैयार करनी है फ्रिल। तो इस तरह से फ्रिल के लिए कपड़ा ले लिया है और एक तरफ से मोड़ते हुए इस पर सिलाई हमने लगा दी है। यहाँ पर हम 1.5 इंच की फ्रिल रखेंगे। तो 2 इंच चौड़ाई का ये कपड़ा लिया है और इस पर एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद ये 2 इंच है, एक तरफ से सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो डबल फोल्ड करके ले सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमें फ्रिल को लगाना है। अंदर वाली साइड से रखेंगे बराबर से मिलाते हुए, फिर इस पर इस तरह सिलाई लगा देना है। तो ये हमने फ्रिल लगा दिया। फ्रिल लगाने के बाद देखिए इन डिजाइनों को इस तरह से हमें जोड़ते हुए मोतियाँ भी लगानी है और जोड़ना भी है। तो देखिए डिजाइन, सभी डिजाइन के अंदर हम एक मोती लगाएंगे। गोल्डन मोती ले ली है हमने और देखिए यहाँ पर इस तरह से मोती लगाना है। और मोती लगाने के बाद यहाँ से धागे को निकालेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों डिजाइनों को जोड़ना है, फिर हमें दूसरी साइड के डिजाइन पर भी मोती लगा देना है। तो एक बराबर से ये डिजाइनें रखनी है क्योंकि
एक दूसरे के सामने भी रखनी है, क्योंकि इस तरह से जोड़ना रहेगा, छोटी बड़ी अगर हो जाती है तो फिर अच्छे से नहीं बैठेगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मोती लगाकर इसे जोड़ दिया है। अब हमें धागे को दूसरे डिजाइन पर निकाल लेना है और सेम तरीके से पूरे डिजाइन को बनाना है। तो इसी तरह से हमें पूरे डिजाइन को पूरा कर लेना है। तो ये देखिए हमने पूरे डिजाइन को बना लिया है और नीचे वाली डिजाइन पर भी मोतियाँ लगा दी है। अब हमें लेना है लेस और यहाँ से हम इस तरह से लेस को लगा देंगे। तो लेस को लगाने के बाद हमारा ये डिजाइन पूरा हुआ। तो ये स्लीव हमने ब्लाउज के लिए तैयार की है और ब्लाउज का डिजाइन भी हमने शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।